3050 भी है, सोलर पीसीयू। अभी इसमें दिक्कत क्या है, ये सोलर पर तो काम कर रहा है लेकिन आउटपुट नहीं दे रहा निकाल के। देखते हैं, खोलते हैं कम्युनिकेशन नोट ऑफ क्या रहा है इसमें। मोटर को खोलते हैं, अभी ₹3050 भी थे वो, कितना बढ़िया तरीके से सेंसर। देखते हैं हो सकता है मॉसफेट शॉर्ट हो, मॉसफेट देखते हैं। प्रॉब्लम इस साइड तो ओके दिखा रहा है, मॉसफेट चेक करते हैं, साइड चेक करते हैं। सीट लगा रखी है, सीट लगाने की वजह से ये खुल नहीं पा रहा। पहले हम इल्ट से खोलते हैं इसके, फिर देखते हैं। खोल के देखते हैं पहले इसकी हीट सिंक, फिर चेक करते हैं मॉसफेट क्या दिक्कत है। देखने में तो कार्ड होके लग रहा है ना, मॉसफेटों में दिक्कत लग रही है इसकी, मॉसफेट भी चैनल ठीक लग रहे हैं देखने में तो। ये चैनल भी ठीक लग रहा है, ये चैनल ठीक है, और ये चैनल भी ठीक लग रहा है इसका। अब हम इस कार्ड को खोलते हैं और देखते हैं, हो सकता है नीचे संट छुटी हुई उसकी। सही डेल्टा में भी लगाएं, ₹3050 भी स्मार्टन का सोलर पीसीयू का कार्ड। अभी हमने इसका कार्ड चेंज कर दिया इन्वर्टर का, और ये ओके चल गया, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। डबल फैन दे रखे हैं इसमें, एक ही सोलर कार्ड के लिए हाई टेम्परेचर बना रहा है इसके लिए, और ये कि मेन मेरा अपना मेन फैन लग रहा है इसके नीचे। सिस्टम ओके वर्किंग करने लगा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं।